ये देखो हम कितने भ्रष्ट हो सकते हैं। क्या यू कह ले भ्रष्टाचार हमें दीमक की तरह चाट रहा है। अगर यू ही चलता रहा तो बहुत दिन दूर नहीं जब हमारा देश घोटालों के मामले में अव्वल होगा। ये हमारा महान भारत, ये हमारा आजाद भारत, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत, जय भारत इंडिया। कई लोगों की कल्पना इसके डर काम देखने के लिए उधार ले रखा है। अपने खबर में देखे सबके चाहे जितने भी फिर भी कुछ लोग अपन अपने अरमान पा जाते हैं। मर गए लोगों के जज्बात, मर गए लोगों के जज्बात को उनके चुनों में बलात्कार हो रहा था उस समय हमारे मुवक्किल कपड़े उतार रहे थे। जो सूख रहे कोई सबूत है जज साहब? इस समय जो आपने कपड़ा पहन रखा वो हमारे मुवक्किल के लॉन्ड्री से धुला है और ये वही कपड़ा है जज साहब जो उस रात हमारे मुवक्किल उतार रहे थे। आज के केस की कार्रवाई यही स्थगित की जाती है और ये कार्रवाई अगली तारीख को बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनी जाएगी। तारीख और न्याय का नहीं है कोई हिसाब। तभी तो दामाद बने बैठे हैं जाने कितने के साथ, जाने कितने के साथ। बढ़ गई है पीर पर्वत की, पिघलनी चाहिए अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, लेके यहाँ चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा तो मकसद इस देश की सूरत बदलनी चाहिए। अंधकार के तले जिनका जीवन है गुजर रहा, आओ ऐसा ही मंजर देखो जरा चाय ले लो भैया, चाय गर्म गर्म चाय सची तो कहते हैं बापू अमीरों के घर में ही रहता है। करते हैं शोषण इनका तो समाज सुधारक भी, करते हैं शोषण इनका तो समाज सुधारक भी, उपदेश तो होता है बस जमाने के लिए। अरे चलता रहूं मैं पेट की आग बुझाने के लिए, चलता रहूं मैं पेट की आग बुझाने के लिए। मेरी पहचान, मेरे वजूद, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं।
मैं अब तक पूछूं इससे ऐसी क्या भूल हुई मुझसे, ऐसे क्या किया मैंने कसूर, क्यों मैं खुशी से दूर, क्यों मैं खुशी से दूर। किस गुमनाम अंधेरे में, किस गुमनाम अंधेरे में अरे भारत तू पनप रहा, जिन्हा तो होना था कलमदाबाद, वहां कैसे इतबारों में सुन रहा। अरे कैसा मासूम सा फरिश्ता दो वक्त की कमाने निकल रहा, कैसा मासूम सा फरिश्ता दो वक्त की कमाने निकल रहा, किन कंधों को जुदार है जीवन तू गुजर रहा, है जीवन तू गुजर रहा। जो ममता के आंचल में खिलना था, जो ममता के आंचल में खिलना था, वो कैसे कीचड़ से लिपट रहा, वो कैसे कीचड़ से लिपट रहा। जिन मासूम की आंखों में कोई सपना भी भूल कर रहा है, जिन नंदों के जीवन में कोई अक्षर ज्ञान का भी ना चाहे, जिन कोमल हाथों पर मजबूरी लहराए। अरे ऐसा भागा बचपन बाल मजदूरी कहलाए, बाल मजदूरी कहलाए। इम्तिहान जिंदगी ने, इम्तिहान जिंदगी ने लिया है खड़ा, इम्तिहान जिंदगी ने लिया है खड़ा, उम्र छोटी मगर लगता हूँ मैं बड़ा। मैंने बचपन को बचपन में देखा नहीं, मेरे हाथों में कुछ लोग क्या मैं मजदूर हूँ, मजदूर हूँ जो हम तुम मेरे उनकी सेवा करने को मजबूर, वे उनके स्कूल जाने के लिए मैं उनका खाना बनाने के लिए, क्या मैं बदतर हूँ, क्या मैं बदतर हूँ किसी जानवर से भी, हाँ मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं बाल मजदूर हूँ। याद है आज से 5-10 साल पहले हम
हमारी गलियों में कोई आता था, डमरू बजाता था, क्या कहते थे उसे? हाँ, मदारी। लेकिन सुना है आजकल वो वहां सिग्नल पे खड़ा होकर भीख मांगता है। साला भिखारी। उनके सामने हाथ फैला लेते हो, लेकिन इन्हें इन्हें जब कुछ चाहिए होता है तब ये आपके सामने हाथ फैलाते हैं। इन लोगों को तो मंदिर में घुसने की इजाजत भी नहीं। अरे वो आया था। कौन आया था? अरे वही जो मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे सपने दिखाया था। वो तू कौन है? इन्हें कैसे जानता है? ये तो मेरे दोस्त है। अरे बेटा ऐसे कूड़ा उठाएगा इसी कूड़े में मिल जाएगा। अरे तू तो जीतू है ना? मेरा नाम जीतू है और मैं एक दिन बहुत बड़ा पायलट बनूंगा। अरे बेटा मैं तुझे पायलट बनाने आया हूँ। मुझे पता है चले तू ढेर सारे पैसे चाहिए होते हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे यहाँ से आएंगे। अरे बेटा ये जो बड़े लोग होते हैं ना उसे भीख मांगने में कोई बुराई नहीं है। अरे जीतू बेटा ऐसे भीख मांगेगा? ऐसे कैसे आएंगे? ये पता है ये जो प्लेन होते हैं ना वो एक बार जरूर जाते हैं। बस जीतू बेटा ऐसे ही पैसे आएंगे। ये पता है जीतू बेटा ये हाथ तुझसे है। कोई हाथों से ना, कोई हाथों से ना। ¿Qué onda?